अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम इसके बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं वो पढ़ेंगे सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस। तो आपको दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन इसमें बनता है, एक तो पॉइंट के बेसिस पर एमसीक्यू बन सकते हैं, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि ये एसिड है या बेस है, आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको एक ट्रिक पढ़ाई जा रही है, देखो ट्रिक ट्रिक होती है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन ट्रिक ऑलमोस्ट ये काफ़ी जगह लग जाती है, जहाँ फेल होगी उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को हम याद रख लेंगे। तो फिलहाल आओ सीखें। तो आपके पास ट्रिक ये है कि एटॉमिक नंबर वाले, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 30 एटॉमिक तक नंबर तक, 1 से लेकर के 20 एटॉमिक नंबर वाले जितने होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 20 के बीच में आता है, तो क्योंकि उनका साइज छोटा होगा, 1 से छोटे साइज वाले हैं, तो छोटे साइज वाले होंगे तो ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अगर वो एसिड की प्रॉपर्टी रखते हैं तो हार्ड एसिड होते हैं, बेस की प्रॉपर्टी रखते हैं तो बेस होते हैं। एसिड की प्रॉपर्टी वो रखेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जैसे जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज होती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, एसिड। जिनके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, फालतू की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, नेगेटिव चार्ज होगा, वो क्या होंगे, जनरली बेस। वो तो अभी एग्जाम्पल से कवर हो जाएगा। 21 से 30 एटमिक नंबर तक वाले जो आते हैं वो आपके चलते हैं बॉर्डर लाइन एसिड बेस, बॉर्डर लाइन एसिड बेस, एसिड है तो एसिड, बेस है तो बेस। तीसरा, जिनका एटमिक नंबर 31 से ज़्यादा होगा वो आपके सॉफ्ट कहलाते हैं। एटमिक नंबर 31 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है वो आपके सॉफ्ट कहलाते हैं, एसिड है एसिड, बेस है तो बेस। अब मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ कुछ एग्जांपल आपको दिखा दूँ तो आप उनसे छांटने के लिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है उसे देखते हैं। अब आपके पास यहाँ पे छांटने के लिए है कुछ चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे आपको करना है, इसको फ़िलहाल हम करते रहेंगे। तो ऑप्टेट हो रहा है, जैसे इस टाइप के आ गए आपके, और एग्जांपल बोलूँ ए जी प्लस, पी डी प्लस टू, पी टी प्लस टू, एन आई प्लस टू, और आपके आ गए एफ ई प्लस टू प्लस थ्री, और अगर एग्जांपल बना दें इरिडियम प्लस फोर, और बाकी इस तरीके के एग्जांपल। अब आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा छांटो इसमें से कौन से एसिड है और कौन से बेस है, कौन से सॉफ्ट एसिड है, कौन से सॉफ्ट बेस है, कौन से हार्ड एसिड है, कौन से हार्ड बेस है। मैं यहाँ पे कुछ दो एग्जांपल और लिख लेता हूँ आपके सामने, ये याद रख लेना। ये कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको चार टाइप के लिख लेते हैं, हार्ड एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड और आपके सॉफ्ट बेस। अब आपको जो जो जिस जिस में आएंगे वो वहाँ वहाँ पे आप लिखते रहेंगे। सबसे पहले आया H पॉजिटिव, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। 1 से 20 एटॉमिक वाले कैसे होते हैं, हार्ड। अब अगर ये हार्ड है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लुईस ने कहा था वो एसिड है, तो ये कौन से वाले एग्जाम्पल में आएगा, Li प्लस, एटॉमिक नंबर 3 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, हार्ड एसिड, बेरिलियम का एटमिक नंबर 3। तो कौन कौन से आते रहेंगे इसमें, Li प्लस भी आ गया, Be प्लस 2 आ गया, बेरिलियम का एटमिक नंबर 4 होता है, बोरॉन भी 5 ही एटमिक नंबर वाला होता है, N3 नेगेटिव है। अब देखो नाइट्रोजन का एटमिक नंबर होता है 7, और 7 एटमिक नंबर वाला जो है वो क्या होगा आपके पास, हार्ड होगा, 1 से 20 वाले के कैटेगरी में हार्ड आते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले हैं, लोन पेयर वाले, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो बेस होंगे, तो कहाँ होगा, हार्ड बेस, कहाँ पे, N3 नेगेटिव। इसके बाद आ गया कार्बोनेट, इसके सेंट्रल एटम को पकड़ते हैं, एटमिक नंबर कितना है, 6, तो 6 है और 6 एटमिक नंबर वाला हार्ड और नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, बेस। तो सीधे सीधे ट्रिक है हार्ड बेस, CO3 2 नेगेटिव, समझ रहे होंगे। सल्फोनेट, अब ये आपका सल्फर वाला केस है, वैसे तो सल्फर को देखा जाए तो एटमिक नंबर 16 होता है, क्या होता है, 16,
16 अगर ये है तो 16 एटमिक नंबर वाला जनरली क्या हो गया आपके पास, हार्ड हो गया, यहाँ आ गया। और ये अगर हार्ड हो गया तो हार्ड वाले क्या होते हैं, और निगेटिव चार्ज है तो हार्ड बेस। लेकिन आप याद रखना सल्फर के एस से, ये ट्रिक समझ लो या क्या समझो, सल्फर के एस से याद रखना कि ये सॉफ्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? लेकिन निगेटिव चार्ज की वजह से बेस ही होगा, तो ये सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में रखूँगा, एक्सेप्शन टाइप हो गया, है ना, एक्सेप्शन हो गया ये। इसकी बात करें फ्लोराइड, तो फ्लोरीन का एटमिक नंबर 9 होता है, तो 9 एटमिक नंबर वाला हार्ड हो गया, नेगेटिव चार्ज है तो कैसा हो गया, हार्ड बेस। तो कहाँ आएगा ये, यहाँ पे आ गया। Cl 17 एटमिक नंबर, 17 पे नेगेटिव है, 20 से कम है। Br 35 होता है, एटमिक नंबर 35 है, 35 वाला इस कैटेगरी में आएगा और नेगेटिव चार्ज है, सॉफ्ट बेस। और 53 सॉफ्ट बेस, तो कौन कौन आएगा यहाँ पे, Br नेगेटिव आपका हो गया और आपका I नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से बाकी सबको भी आप मैनेज कर ही लोगे। मेरा उद्देश्य ये कॉन्सेप्ट या ट्रिक से था, बाकी जो इस कैटेगरी में आएंगे आप उन्हें बॉर्डरलाइन एसिड बेस कहते रहना, अलग से बता देंगे। जैसे ये वाले हो गए, निकिल हो गया, आयरन हो गया, ये तो नीचे आते हैं, पैलेडियम प्लेटिनम तो और बड़े एटमिक नंबर वाले हैं, 30 से ज़्यादा एटमिक नंबर वाले हैं, तो ये सारे के सारे हार्ड एसिड हैं। इसका एटमिक नंबर 6 है। अच्छा, इस पर कोई चार्ज नहीं है, आप देख पा रहे होंगे BF3 और AlCl3। तो बोरोन का एटमिक नंबर 5 होता है, उसकी वैलेंसी होती है 3, 2 और 3, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है बोरोन के। समझ नहीं आ रहा तो मैं से यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, इन्होंने फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करी, तो इसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो निकलते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, काय की तरह, अब अगर ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है ये और ये भी, तो लुईस एसिड है, एसिड तो है ही, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब ये एसिड है और एसिड होने के साथ साथ साइज़ में भी क्या है, 13 एटमिक नंबर, 5 एटमिक नंबर, तो छोटा एटमिक नंबर वाले क्या होते हैं, हार्ड, तो हार्ड एसिड है, तो हार्ड एसिड वाले में कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका BF3 और AlCl3। अब आपको एक याद रखना है, देखो ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल, हाइड्रोजन H जो है, वैसे तो हाइड्रोजन क्या होता है, एसिड है। एक्चुअली जब कभी हाइड्रोजन पे निगेटिव आता है उसको हाइड्राइड कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्राइड। अब अगर ये हाइड्राइड है, वैसे तो एटमिक नंबर 1 है, सबसे छोटा एटमिक नंबर है, तो इसको क्या होना चाहिए था, हार्ड, हार्ड बेस होना चाहिए था नेगेटिव की वजह से, लेकिन ये हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट बेस माना जाता है, ये एक्सेप्शन है, याद रखेंगे। और सल्फर के भी कौन, सल्फर के ऐसे मैंने आपको क्या कहा था, सॉफ्ट बेस, तो ये इतना पॉइंट याद रख लोगे तो अभी आपको एग्जाम्पल्स दे देगा और छांटने के लिए बोलेगा कौन सा हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस है, तो आप वो देख लेना, पॉज करके फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कोई दिक्कत आती है तो उसमें आप लोग पूछ सकते हो। अब हम इस यूनिट के आगे वाले टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, शेप प्रिंसिपल, जिस नाम पर ये पूरी यूनिटी बेस्ड है, शेप प्रिंसिपल, सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल। तो सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल आपको क्या समझाता है, क्या सिखाता है, उसे समझने सीखने की कोशिश करते हैं, आओ सीखें। तो सबसे पहली बात यह है शेप प्रिंसिपल में, कि हम सबसे पहले नॉर्मली हम जानते हैं कि एसिड और बेस आपस में मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं और वाटर भी बनाते हैं, लेकिन लुईस एसिड बेस कभी भी वाटर नहीं बनाते, बिना वाटर के एसिड बेस बनाते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने लूं, तो आपके पास ये हो गया AlCl3 लुईस एसिड और ये हो गया आपका NH3 बेस, क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बेस ने इस AlCl3 एसिड को अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया, तो आपके पास ये NH3 है, ये AlCl3 को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एसिड और बेस मिलकर के आपका काई का फॉर्मेशन हो गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। एसिड और बेस आपस में मिलकर के सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये शेप प्रिंसिपल क्या है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके आगे। तो शेप प्रिंसिपल बस इतना सा कहता है कि अगर आपके पास सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस आपस में मिलकर के कोई कंपाउंड बनाता है, बनाएगा क्या, वो बनाएगा क्या, एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट, तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस मिलकर के स्टेबल सॉल्ट बनाते हैं। अगर आपके पास हार्ड एसिड और हार्ड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो हार्ड एसिड और हार्ड बेस मिलकर के भी स्टेबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स या स्टेबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर आपके पास हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस आपस में रिएक्ट करें, तो हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, या हार्ड बेस
और सॉफ्ट एसिड आपस में मिलकर के अनस्टेबल बनाते हैं। एक लाइन में बोलें तो सॉफ्ट सॉफ्ट मिलकर के स्टेबल, हार्ड हार्ड मिलकर के स्टेबल, सॉफ्ट हार्ड मिलकर के अनस्टेबल, हार्ड सॉफ्ट मिलकर के अनस्टेबल। ये बात बिल्कुल इतनी सी है कि देखो जैसे आप H2 मॉलिक्यूल को समझो, हाइड्रोजन 1s1 और दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1s1, इसका s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल के ऑर्बिटल से क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है और बॉन्ड बनाता है। तो जब छोटे छोटे एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं, और बड़े बड़े मॉलिक्यूल आपस में अगर ओवरलैपिंग करते हैं, जैसे I2 का एग्जांपल ले लो, तो ये भी आपका क्या बनाते हैं, बड़े, वैसे तो खैर ये एस ऑर्बिटल का नहीं है, पी ऑर्बिटल का है, लेकिन बड़े बड़े मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो भी स्टेबल ही बनते हैं। लेकिन अगर छोटे से बच्चे पे बड़ा सा एटम जुड़ जाए तो अनस्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा उस बड़े वाले अंकल को संभाल नहीं पाएगा और उनके बॉन्ड का, उनके बीच का बॉन्ड वीक होगा और वो टूट जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि HI ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि इस छोटे से H पर क्या जुड़ा रहता है, बड़ा सा आयोडीन जुड़ा रहता है, तो स्टेबिलिटी नहीं आती या अनस्टेबिलिटी रहती है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, छोटा बच्चा हार्ड, और ये क्या हो गया बड़ा वाला, अगर H+ बोलूं तो ये क्या हो गया आपके पास, हार्ड एसिड, और इसे बोलूं तो सॉफ्ट बेस हो गया, क्योंकि बड़े साइज वाला है और आपके पास ये क्या है, नेगेटिव में टूटेगा तो बेस है, तो आपके पास सॉफ्ट हार्ड मिलकर के कैसा बनेगा, अनस्टेबल, और इसीलिए ये ज़्यादा एसिडिक होता है, जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो इसीलिए छोटे छोटे वाले मिलकर के स्टेबल, बड़े बड़े वाले मिलकर के स्टेबल, छोटे बड़े, बड़े छोटे आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, अनस्टेबिलिटी लेके आते हैं। तो अब आपको ये बात याद रखनी है, और इसी को सेफ प्रिंसिपल कहते हैं, और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि किस आधार पर या कैसे ये इस बात को कह रहा है। तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पे बात कर लेता हूँ आप लोगों के पास। तो वो ये कहता है, एक आप इनके बारे में जानते होंगे, एक होते हैं मिनरल्स और एक होते हैं ओर्स। दुनिया में जो भी चीज़ें जिस भी रूप में प्रकृति में पाई जाती है उसे मिनरल या खनिज कहते हैं, और अगर उस खनिज को प्योरिफिकेशन करने पर हमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ या जनरली मेटल्स प्राप्त होते हैं तो हम उन मिनरल्स को ही क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं, हिंदी में अयस्क कहते हैं, ठीक है। तो वो आपका एक सवाल ये है कि प्रकृति में जो ज़्यादातर मेटल्स के ओर्स हैं या अयस्क हैं वो कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, सल्फोनेट के रूप में नहीं पाए जाते, क्यों? जैसे आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में पाए जा रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में नहीं पाए जा रहे हैं, क्यों? ऐसा सवाल है। प्रकृति में मैग्नीशियम जो है वो कार्बोनेट के रूप में मिल रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में नहीं मिल रहा, क्यों? ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। या कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जा रहा है, कैल्शियम सल्फेट के रूप में पाया नहीं जा रहा है, क्यों? तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने हो गए। अब आप इस मैग्नीशियम कार्बोनेट को पकड़ के चलो, तो अगर हम इसे देखें मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये कैसे टूटेगा बताओ, एक्चुअली ये सॉल्ट है, कैसे बना हुआ रहा होगा ऐसे। अब मैग्नीशियम, सॉरी CO3 2 नेगेटिव है, तो ये जो मैग्नीशियम मेटल है आपको पता है एटमिक नंबर 12 होता है, और एटमिक नंबर 12 है तो साइज में छोटा है, हार्ड नेचर का हो गया, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये क्या है आपका हार्ड एसिड, और ये क्या है आपका कार्बन, एटमिक नंबर 6 और नेगेटिव वाला है हार्ड बेस। तो ये हार्ड एसिड और हार्ड बेस से जो भी सॉल्ट बना होगा वो कैसा होगा। लेकिन अगर मैं मैग्नीशियम सल्फेट की बात करूं तो अगर देखूं तो कैसे टूटा हुआ, किससे बना होगा, ये एसिड Mg+2 से और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव से, तो ये तो आपका क्या हो गया हार्ड एसिड। वैसे तो इसका एटमिक नंबर भी 16 है, 1 से 20 वाला के बीच वाला है, तो इसे हार्ड बेस हो जाना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शनली मैंने आपको सल्फर के ऐसे याद कराया था, सॉफ्ट होता है, तो ये क्या है आपका सॉफ्ट बेस। और आपने कहा हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस मिलकर के जो भी सॉल्ट बना होगा वो कैसा होता है, तो प्रकृति में चीज़ें वो रूप में पाई जाएगी जिस रूप में वो स्टेबल होंगी, तो इसलिए मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, सल्फेट के रूप में नहीं। कैल्शियम की भी आप बात करते हो तो इसका एटमिक नंबर 20 होता है, 1 से 20 तक वाले हार्ड होते हैं, तो ये हार्ड एसिड हार्ड बेस स्टेबल, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस अनस्टेबल, तो स्टेबिलिटी किस में आ रही है, तो दुनिया में प्रकृति में किस रूप में पाए जाएंगे, कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में नहीं पाए जाएंगे, सारे मेटल्स नहीं लेकिन जितने भी ये एग्जांपल क्वेश्चन पूछा है उस वालों को। तो ये किस आधार पर हो पाया है, शेप प्रिंसिपल के बेसिस पर, कुछ इस टाइप का भी है। चलो पहले आप इसे नोट कर लो, पॉज करके फिर आगे बात करते हैं।
एक शेप प्रिंसिपल से रिलेटेड एक नए क्वेश्चन पे बात करते हैं, आओ सीखें। क्वेश्चन इस तरीके का है कि आपके पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO आपका ये है पानी में सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या है, पानी में कैसा हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, और जबकि HgS जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में कैसा रहता है, इनसॉल्युबल रहता है, एक्सप्लेन। ठीक है, वो आपको बोलेगा या नहीं बोलेगा आपको इतना पता चलना चाहिए, या आपको बोल देगा ये सॉल्युबल है या नहीं है। तो शेप प्रिंसिपल के क्वेश्चन है, अदरवाइज तो ज़्यादातर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आओ सीखें। सबसे पहले आप ये देखो कि HgO जो है वो एक सॉल्ट है, काई काई से बना होगा, बताओ। Hg+2 और O2 नेगेटिव। Hg जो है आपका, Hg का एटमिक नंबर 80 होता है, और इसका एटमिक नंबर मतलब 30 से तो ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है, तो बड़े साइज वाला है, तो सॉफ्ट है, और पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, सॉफ्ट एसिड है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूँ तो एटमिक नंबर 8 होता है, 20 से कम है, हार्ड है, और नेगेटिव चार्ज वाला क्या हो गया, सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, सॉफ्ट एसिड और हार्ड, सॉफ्ट हार्ड मिलकर के कैसे बनाते हैं, अनस्टेबल। अब क्योंकि ये अनस्टेबल है तो पानी में डालने पर पानी में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, और पानी के वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं HgS की बात करूँ तो ये कैसे ब्रेक होगा, बताओ। Hg+2 और S2 नेगेटिव, तो ये जो Hg है वो आपका सॉफ्ट एसिड हो गया, और ये भी सल्फर के ऐसे मैंने याद रखने के लिए कहा था, सॉफ्ट बेस। तो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस आपस में मिलकर के ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, स्टेबल, और स्टेबल होगा तो टूटेगा ही नहीं। अब टूटेगा नहीं तो पानी में क्या रहेगा, डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ये पानी में इनसॉल्युबल है और ये पानी में सॉल्युबल है। सिमिलरली आप इसी तरीके का क्वेश्चन ये भी कर सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम के साथ HG वाला ले देते हैं, HgOH का होल्ड प्राइस, कौन सा पानी में सॉल्युबल है और कौन सा इनसॉल्युबल है उस बेसिस पर। तो अगर आप कैल्शियम को देखो तो ये 20 एटमिक नंबर वाला होता है, हार्ड एसिड हार्ड बेस, तो कैसा है, स्टेबल। ये कैसा है, सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस, तो ये बनेगा अनस्टेबल, ये सॉल्युबल हो जाएगा, और ये कैसा रहेगा, इनसॉल्युबल। तो इस तरीके के क्वेश्चन सारे, जब आपको जो मैंने इससे पहले एक पॉइंट लिखाया है एसिड बेस सॉफ्ट एसिड बेस छांटने के लिए, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर देता है। तो होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, आगे बढ़ेंगे बाद में, इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट। तो अभी हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक है आपके पास सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का अपने आप में जो मीनिंग होता है वो होता है एक दूसरे पे जीवन यापन करने वाले, एक दूसरे पे डिपेंडेंट लाइफ, जिनकी डिपेंडेंट होती है उसे सिम्बायोसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक पे क्या रोल है क्या नहीं है उसे सीखने समझने की कोशिश करते हैं। तो आओ सीखें। अब आपके पास एक रिएक्शन करा रहे हैं BF3, आपको BF3 के बारे में आपको अगर क्लियरली बताएं, मैं इसे खोल के दिख दूं, तो आपका ये कुछ इस तरीके से होने वाला है। वैसे अगर मैं देखूं तो इसके आउटर मोस्ट में 6 ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये अपने आप में एक लुईस एसिड है। कैसा एसिड है, और क्योंकि एटमिक नंबर 5 एटमिक नंबर वाला है, तो 20 से कम वाला है, तो ये एक हार्ड एसिड है। इतनी बातें आपको देख के ही इसे समझ में आ जानी चाहिए। अब जब आपके पास इतनी बात समझ में आती है तो आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो किसी चीज़ से, तो आपके पास जब रिएक्शन करवाते हो तो इसको नहीं देखते, सेंट्रल एटम को, इससे लगे हुए जो एटम्स हैं उसको देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ये कैसे टूटेगा, बोरोन एक मेटलॉइड की तरह बिहेव करता है, मेटल की तरह भी बिहेव करता है, और वैसे भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर तो निगेटिव ही आना था, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और बोरोन पे +3 उसके रिस्पेक्ट में आएगा अगर मैं इसको अलग करता हूँ। तो ये एसिड वाला पोर्शन है, ये निगेटिव वाले पोर्शन है। तो आपके पास जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इससे रिएक्शन करने के लिए F निगेटिव ही आएगा, भले से F निगेटिव भी ना आए तो वो ये कहता है कि सेंट्रल एटम से लगे हुए जो भी टाइप के बेस होते हैं उसी टाइप का बेस यहाँ पे अटैक करने के लिए आता है, उसी टाइप का। ये मतलब नहीं कि F ही अटैक करने के लिए आएगा, अगर आप इन F को ध्यान से देखो तो ये अपने आप में हार्ड बेस हैं, क्योंकि इनके एटमिक नंबर 9 होते हैं, और एटमिक नंबर 9 है और उन पे निगेटिव है, तो निगेटिव वाले चार्ज वाले बेस होते हैं लुईस के अकॉर्डिंग, तो ये हार्ड बेस है। तो किसी सेंट्रल एटम से अटैक करने के लिए हार्ड बेस ही अटैक करने के लिए आएगा, इतना तो क्लियर होगा कि ये हार्ड बेस है, इसके रिस्पेक्ट में नहीं देखा, इसके रिस्पेक्ट में देखा। और जब ये इससे अटैक करने के लिए आएगा और जब ये प्रोडक्ट बनाएगा तो ये आपका BF4 नेगेटिव टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, ऑक्टेट पूरा कर लिया, 6 इलेक्ट्रॉन थे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए 8 हो गए, तो ये BF4 नेगेटिव सॉल्ट ही बना है आपका। अगर देखें तो ये एसिड और बेस ने रिएक्ट करा तो क्या बनाया, सॉल्ट।
तो आपके पास अटैक करने के लिए जो भी आता है वो वैसा आता है कि सेंट्रल एटम से लगे हुए जिस टाइप की जिस भी नेचर के एसिड या बेस उससे लगे हुए होते हैं उसी टाइप के नेचर का अटैक करने के लिए आता है और उससे मिलकर के कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस कहते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें BH3 का, तो BH3 से अगर बताओ BH3 में H नेगेटिव जो अटैक करने के लिए आएगा तो ये इससे अटैक करके क्या बना देगा BH4 नेगेटिव। तो लेकिन बोरोन कैसा है, बोरोन को देखो तो हार्ड है, साइज में छोटा है और हार्ड है, और साथ ही साथ कैसा है, एसिड है, क्योंकि बोरोन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन H नेगेटिव जो उससे जुड़ा हुआ है वो कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि H प्लस नहीं, H माइनस, क्योंकि बोरोन हाइड्राइड कहते हैं इसको, हाइड्राइड तब आता है जब निगेटिव आता है हाइड्रोजन पे। तो H नेगेटिव वाला मैंने जब अभी इसी से पहले इसी में ही इसी वीडियो में हमने जब H नेगेटिव वाला पोर्शन पढ़ रहे थे तो हमने बोला था वो सॉफ्ट बेस था, तो इस सॉफ्ट मतलब सेंट्रल एटम से लगे हुए सॉफ्ट बेस वाले से अटैक करने भी कौन आया, सॉफ्ट बेस वाला ही आया, और जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया वो प्रोडक्ट बनाया। तो आपको इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस का प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें जनरली जितनी बातें चलती हैं, मैंने काफ़ी सारे टॉपिक 4-5 टॉपिक इसी वीडियो में कवर कर दिए हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले 5 कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर एसिड बेस समझाया जो हम पहले पार्ट में भी बता चुके हैं। इसके बाद लुईस एसिड बेस पे स्पेशल बात की गई और उनका क्लासिफिकेशन किया, छांटते कैसे हैं एसिड बेस को, सॉफ्ट को, हार्ड को, एसिड बेस को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, वो सारी पॉइंट बताए। उससे रिलेटेड काफ़ी 2-3 टाइप के क्वेश्चंस पे भी बात कर ली है और एक नए टॉपिक सिम्बायोसिस पे भी बात कर ली है। आप सिलेबस का कंटेंट देखोगे तो इसमें ये वाली चीज़ें आपको मिल जाएगी और MCQs टाइप के लिए भी इस बात को ध्यान रख लेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। बाकी और इस पे लगेगा तो हम आपको वीडियो बना के बता देंगे। बाकी फिलहाल हमारी तरफ से जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टाटा बाय बाय।